अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई एम सैयद मुजम्मिल सर, असिस्टेंट टीचर ऑफ अल महमूद इंटरनेशनल हाई स्कूल अकोला। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेरी वेल। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग रिमेनिंग लेसन, लेसन नंबर 4, अलिफ ममदूदा। सो प्यारे बच्चों, आज हम अलिफ ममदूदा में मश्क देखने वाले हैं और आपका मश्क में सवाल है अलिफ ममदूदा अलिफ मज़बर आ को दूसरे हर्फ से जोड़कर मुकम्मल लफ्ज़ लिखें और तलफ़ुस की अदायगी करें। ठीक है, ये आपका सवाल है। देखिए कि अलिफ ममदूदा हम पढ़ चुके हैं। अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं आप सबको पता होगा, हम आपको सिखा चुके हैं। जिस पर मद होता है, ठीक है, उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं और उसकी आवाज़ भी दो अलिफ के बराबर होती है। अब यहाँ पर एक मश्क दी गई है, आपको टेक बुक्स में भी करनी है और नोटबुक में भी आपको लिखना है। ठीक है, कि आपने क्या एक हर्फ से लेकर दूसरे हर्फ को जोड़कर कौन से लफ्ज़ तैयार किए हैं। यहाँ पर आपको जो पहला हर्फ है वो अलिफ ममदूदा है और दूसरा आपको यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको दिए गए हैं। तो बे, काफ, मीम, नून, सीन, लाम, जीम, अब ये मुख्तलिफ किस्म के हर्फ देख सकते हैं जो कि अलिफ ममदूदा के साथ आपको जोड़ना है। अलिफ ममदूदा ये है अलिफ मज़बर आ। और एक मिसाल के तौर पर आपको हेल्प कर भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं अलिफ मज़बर आ और मीम ये। ठीक है, अलीफ़ और मीम ये दोनों मिलाकर यहाँ जो लफ्ज़ तैयार हुआ है मिसाल के तौर पर आम। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हम ले लेते हैं अलीफ मज़बर आ। ठीक है, और सीन। ठीक है, तीन सीन के तीन शोशे आने चाहिए, ज़्यादा नहीं। कुछ बच्चे सीन इस तरीके से लिख देते हैं जो कि गलत होता है। ठीक है, आप ध्यान से अलिफ मज़बर आ लिखें, फिर उसके बाद तीन शोशे वाला सीन। ठीक है, अब देखिए जैसे सवाल में पूछा गया था कि अलिफ ममदूदा आ को दूसरे हर्फ से जोड़कर मुकम्मल लफ्ज़ लिखना है और तलफ़ुस की मश्क करना है। ठीक है, अब देखिए ये हमने अलिफ मज़बर आ लिख दिए हैं और सीन लिख दिए हैं, तो इसकी तलफ़ुस भी आपको सही, जैसे कि आस। ठीक है, इसका तलफ़ुस किस तरीके से रहेगा, आस। ठीक है, अस नहीं, आस। ठीक है, इस तरीके। उसके बाद हम जीम ले लेते हैं। अलिफ मद ज़बर आ, ये आपका हर शुरुआत में अलिफ मद ज़बर आ ही रहेगा और दूसरा जो हर्फ आपका रहेगा वो जीम। तो अब इसकी आपको तलफ़ुस सही बनाना है, तो इसको क्या पढ़ना है, आज। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद है फिर लाम ले लेते हैं, अलिफ मद ज़बर आ। हम इसको और छोटा करेंगे ताकि आपको लिखने दिखे दिखाई दे आसानी से। लाम, आल। ठीक है, इसकी तलफ़ुस आल। फिर उसके बाद नून, अलिफ मद ज़बर आ और नून, आन। ठीक है, उसके बाद बे, आब। ठीक है, और लास्ट वन अलिफ मद ज़बर आ और यहाँ पर गाफ, आग। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने ये जो आपका सवाल पूछा गया था कि अलिफ ममदूदा को दूसरे हर्फ से जोड़कर मुकम्मल लफ्ज़ लिखना है और उसकी तलफ़ुस आपको से पहले भी हमने बताए हैं कि अलिफ मद ज़बर आ की जो आवाज़ है वो दो अलिफ के बराबर होगी, इसलिए अलिफ मद ज़बर आ को थोड़ा खींचे, इतना भी नहीं खींचना है कि ज़्यादा देर हो जाए, बस आम। ठीक है, हम दो मर्तबा इसको पढ़कर आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि पढ़कर ही हमको लिखना रहता है, बाज़ बच्चे सिर्फ मश्क कर लेते हैं और फिनिश करते हैं। ठीक है, तो पढ़कर जो लिखता है वो
सिर्फ और सिर्फ मस्क कंप्लीट नहीं होती है बल्कि वो सबक समझ में भी आता है। ठीक है, तो आम, आस, आज, आल, आन, आब, आग, इस तरीके से। अब आप जब कभी भी उर्दू पढ़ने लगें और इस तरीके के आपको लफ्ज़ दिखाई दे तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि ज़्यादा नहीं खींचना, इतना खींचना है कि ये पता हो जाए कि इसमें डबल अलीफ की आवाज़ है। ठीक है, तो कुछ बच्चे आस इस तरीके से नहीं, ठीक, आस, आज। ठीक है, अगर यह हम जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे आम, आज मैंने आम खाया, यानी इसमें दो अलिफ ममदूदा इस्तेमाल हुए हैं, एक आज और दूसरा आम, तो आज मैंने आम खाया, इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि आज जो अलिफ मद ज़बर आ है उसको किस तरीके से हमको पढ़ना है, उस लफ्ज़ की किस तरीके से तलफ़ुज़ हमको निकालना है। ठीक है, कहीं हम गलत ना पढ़ लें। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कि आगे क्या दिया गया है। आगे रंग भरना ये एक मश्क है कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप टेक्स्ट बुक्स में भी आप पेंसिल से जो कलर पेंसिल होती है आप के जो ड्राइंग टीचर हैं वो भी आपको बताते होंगे कि आपको किस तरीके। देखिए, सुराही है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में पॉट कहते हैं, और ये आपके फूल हैं, पत्ते हैं। अब आपको पता है कि पत्ते कौन से रंग के होते हैं, हाँ, हरे रंग के होते हैं, और गुलाब ये फूल हैं, तो आप पीले फूल दें या फिर लाल रंग के फूल, ये कलर आप दे सकते हैं। और सुराही एक तो ब्लैक कलर की होती है या फिर सुरमई कलर की होती है, आपको अच्छी तरीके से ये भी रंग भरना है। ठीक है, इसी ये मश्क होगी आपकी, आपको पढ़ाई पर ज़्यादा ज़ोर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई में मश्क करनी है, और जो चीज़ पढ़ने में आपको दुश्वारी आए तो आप उसकी दोबारा मश्क कर लें। ठीक है, और आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप मश्क कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। और एक बात और बता दें आपको कि यहाँ पर आपके लेसन 4 कम्प्लीट हो चुके हैं, अब आपका इसके बाद रिविज़न होगा। ठीक है, और फिनिश हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।